सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड तीसरे T20 मुकाबले की फर्स्ट इनिंग हाइलाइट्स आपको पूरी देने वाला हूं। तो भाई, न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया और यहां पर इंडियन टीम फिर बैटिंग करने उतरी। तो आज इंडियन टीम की आपको पहली बैटिंग की पूरी हाइलाइट देने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करें तो इंडिया की तरफ से ओपनिंग करने उतरे रोहित शर्मा और KL राहुल। रोहित शर्मा अब अच्छी फॉर्म में दिख रहे थे इस मैच में। रोहित शर्मा ने 65 रन की एक शानदार पारी खेली। यहां पर जो भारत का ओपनिंग स्टैंड था वो था 89 रन का। शानदार पार्टनरशिप ओपनिंग में आपको देखने को मिली और यहां पर फिर रोहित शर्मा ने 65 रन की एक शानदार पारी खेली, जहां पर 40 बॉलों में उन्होंने 3 छक्के मारे और 6 चौके मारे हैं और हमीश बेनेट ने इनका विकेट लिया। उसके बाद टीम के विकेटकीपर KL राहुल ने 27 रन मारे, 19 बॉल खेली, 2 चौके और 1 छक्के इन्होंने मारे। कॉलिंडी ग्रैंडहोम ने इनको आउट करा। शिवम दुबे नंबर 3 पर प्रमोट किए गए थे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला भी था कि इंडिया पहले बैटिंग करेगी तो शिवम दुबे को प्रमोशन मिलेगा, सो यहां पर शिवम दुबे प्रमोट हुए। 7 बॉलें खेली, सिर्फ 3 ही रन उन्होंने बनाए। हमीश बेनेट ने इनको भी आउट करा। बेनेट ने एक ही ओवर में रोहित शर्मा और शिवम दुबे का आउट करा था। इसके बाद नंबर 4 पर बैटिंग करने आए विराट कोहली और नंबर 5 पर आया श्रेयस अय्यर। नंबर 5 पर आया श्रेयस अय्यर ने 16 बॉलें खेली, सिर्फ 17 रन उन्होंने बनाए, 1 छक्का मारा और मिचेल सैंटनर ने इनको स्टंप करवा दिया। नंबर 6 पर बैटिंग करने आए मनीष पांडे, लेकिन उसके पहले विराट कोहली का विकेट गिर गया। विराट कोहली ने 27 बॉल में 38 रन मारे हैं, 2 चौके और 1 छक्का इनकी पारी में शामिल था और हमीश बेनेट ने इनको भी आउट करा। इसके बाद तो बस आखिरी में रविंद्र जाडेजा और मनीष पांडे ने इंडियन टीम की पारी को खत्म करा, जहां पर रविंद्र जाडेजा ने 5 बॉल में 10 रन बना के 1 छक्का मारा है और मनीष पांडे ने 6 बॉल में 14 रन बनाए, 1 छक्का और 1 चौका इन्होंने भी मारा है और इंडियन टीम ने 20 ओवर में 179 रन पे 5 विकेट खोए थे। सो यहां पर न्यूजीलैंड के सामने अब लक्ष्य है 180 रन का। देखते हैं अब सेकंड इनिंग में क्या होता है। एक बार न्यूजीलैंड की बॉलिंग की बात कर ले तो हमीश बेनेट को 4 ओवर में 3 विकेट मिले हैं, स्कॉट कुगली जिनको एक भी विकेट नहीं मिला, मिचेल सैंटनर ने 1 विकेट निकाला है और कॉलिंडी ग्रैंडहोम ने 2 ओवर में 1 विकेट निकाले हैं। बाकी तो भाई आप पूरे बॉलिंग फिगर्स अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मेरी तरफ से आज की यही वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना। मिलूंगा आपसे अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।